देखो परमोटेशंस मतलब होता है क्रमचय, क्रमचय का मतलब होता है कोई वस्तु कितने तरीके से रखी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई एक ही वस्तु है तो इसको रखने के हमारे पास जो तरीके होंगे वो होगा एक, ठीक है ना। अब इस वस्तु को हमने उठाया और रख दिया, लेकिन हमारे पास अगर दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसको हम कितने तरीके से रख सकते हैं, पहले ए और दूसरा तरीका है हमारे पास बी, मतलब एक तरीका तो ये है हमारे पास, और फिर यहां रख सकते हैं बी और यहां रख सकते हैं ए, इस तरीके से एक तरीका ये है हमारे पास, तो इन टोटल हमारे पास कुल दो तरीके आए दो। अगर हमारे पास एक से अधिक वस्तु है, दो वस्तु है, तो उसे हम दो तरीके से रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर यही वस्तु हमारे पास तीन हो जाती है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो निर्धारण क्रम में यहां पे पहले हम ए को फिक्स कर देते हैं। अब ए के साथ बी सी को हम दो तरीके से रख सकते हैं, ठीक है ना। ए के साथ बी सी को दो तरीके से रखेंगे, पहले बी और फिर सी, फिर ए को हम पहले स्थान पे बनाए हुए सी को दोबारा पहले रखें और बी को दोबारा रखें, तो दो तरीके तो ऐसे मिल गए। फिर यही कहानी हम बी के साथ करते हैं कि हम बी को पहले रख लेते हैं, फिर ए को रखते हैं, फिर सी को रखते हैं, और अगले स्टेप में भी बी को पहले लेते हैं, फिर सी को रखते हैं, फिर ए को रखते हैं, तो दो तरीके ये हो गए हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर हम सी को प्राथमिकता दें और सी को पहले रख लें, तो जब हम सी को पहले रखेंगे तो अब क्या बचा हमारे पास, ए और बी बचा, तो या तो पहले हम ए को रखेंगे या तो बी को रखेंगे। अगर इसमें हमने पहले ए को रखा है तो अगले तरीके में सी को निश्चित रखते हुए पहले बी में बी को रखेंगे फिर ए को रखेंगे, तो दो तरीके ये मिल गए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जब एक वस्तु तो रखने का एक क्रम, जब दो वस्तु तो रखने का दो क्रम, जब तीन वस्तु तो रखने का छह क्रम, ये इस तरीके से बढ़ता जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वस्तु तो रखने का क्रम एक, दो वस्तु तो रखने का क्रम एक गुणे दो, तीन वस्तु तो रखने का क्रम एक गुणे दो गुणे तीन, तब चार वस्तु तो एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार। अगर यन वस्तुएं हो हमारे पास तो इन यन वस्तुओं को रखने का जो हमारे पास क्रम होगा वो होगा एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे एंड सो ऑन, ऐसे हम गुणा करते जाएं और कहां तक, यन तक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यन वस्तुओं को हमें क्रम से निर्धारित करना हो, उसके क्रम बनाने हो, देखो लिए क्रम तो बनाने को आप चाहे जितना बना लो, ठीक है ना। आप जितनी वस्तुएं उतने प्रकार के क्रम, आपको एक कागज मिल गया, ठीक है, कागज की सीट दे दी गई, कलम दे दिया गया, वस्तुएं दे दी गई, इनको हम कितने तरीके से रख सकते हैं आप डिजाइन करिए। तो आप क्या किए, वस्तुओं के नाम लिखे, पहले ये फला वस्तु है, फिर फला वस्तु है, फिर फला वस्तु है, एक तरीका बना लिया कि इसको ऐसे सजाएंगे, हटा दिए, नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, जितनी वस्तुएं सबके क्रम बदलते बदलते आप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरीका किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपको बुक्स सेल्फ में लगानी है, नीचे हिंदी की किताब रखें, अंग्रेजी की किताब रखें। अब मान लीजिए आपके पांच विषय हैं, तो पांच विषय को रखने का तरीका क्या होगा आपके पास, एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच, तो पांच चौक बीस, तिया साठ, दूना 120, माने 120 तरीके से आप अपनी बुक सेल्फ में किताब को सजा सकते हैं। लेकिन सजाएंगे तो उनमें से सिर्फ एक तरीके से ना, तो ये तरीके हैं कि कितना तरीका हम पा सकते हैं अधिकतम संभव स्थित, समझ रहे हैं ना। तो इस अधिकतम संभव स्थित को यन वस्तुओं के लिए अगर है तो यन वस्तु के लिए ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल यन, ठीक है। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, वो फैक्टोरियल का है। पुरानी पद्धति में इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल यन। इस फैक्टोरियल यन का मतलब होता है कि जो वैल्यू यहां लिखी जाएगी उस वैल्यू का गुणा करते हुए, उसके एक संख्या कम करते हुए लगातार गुणा करते जाइए और लास्ट में कहां ले जाएंगे, एक तक, ठीक है। अब जैसे यहां लिखा हूं फैक्टोरियल 6, इसका मतलब क्या है,
फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इस तरीके से आप गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6 × 24 = 5 = 120 और 6 × 7 = 720, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि कोई वस्तु के कितने क्रम बनाए जा सकते हैं उसको उस संख्या के फैक्टोरियल के साथ लिखा जाता है। 5 वस्तुएं हैं, उन्हें कितने प्रकार के क्रम बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 5। 4 वस्तुएं हैं, उनके कितने तरीके के क्रम बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 4। 10 वस्तुएं हैं, उनके कितने प्रकार के क्रम बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 10। और इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, अगर फैक्टोरियल 10 है तो 10 से खोलना शुरू कीजिए, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × इस तरीके से करते हुए 1 तक जाइए और सारी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उन 10 वस्तुओं के रखने का क्रम क्या है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। मान लो हमारे पास 4 वस्तुएं हैं और इन 4 वस्तुओं में से कोई 2 वस्तु लेना है, ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो 4 वस्तुओं के छांटने का तरीका क्या होगा, 4 वस्तुएं छांटने, 4 वस्तुएं आपको दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इन 4 वस्तुओं को क्रम पे लगाओ, तो क्या कितना क्रम आएगा, 4 × 12 × 24, ठीक है ना, 24 क्रम हमें प्राप्त होंगे। लेकिन हमें उन 24 क्रमों में से 2 क्रम नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ 2 के ही क्रम लेने हैं। तो अगर हम 4 वस्तुएं लेते हैं ए बी सी डी, तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम इसमें से ए बी छांटते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका है ए सी छांटते हैं। तीसरा तरीका है हम ए डी छांटते हैं। दो वस्तुएं लेनी है, हमने पहले ए बी को ले लिया, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, हमने ए सी को ले लिया, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, हमने कहा ए डी को ले लिया, ये ठीक नहीं है। और ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बी ए लें, सी ए लें, पहले सी लें फिर ए लें, डी लें फिर ए लें, तो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए, ठीक है। फिर हमने बी सी को लिया, बी सी ले लें या बी डी ले लें, ठीक है, बी सी ले लिया, बी डी ले लिया, तो इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं कि सी बी लें और डी सी, यहां पे डी बी लें। फिर हमने सोचा कि नहीं इनको नहीं लेना है, अब यहां पे कुल 6 तरीके हुए हमारे, यहां पे कुल हमारे 6 तरीके हुए और यहां पे कुल हमारे 4 तरीके हुए। अब लास्ट जोड़ा बचा हुआ है कि हम सी डी को लें, तो यहां पे सी डी ले सकते हैं और डी ए ले सकते, डी सी ले सकते हैं, 2 तरीके यहां मिले। पहले मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 4 वस्तुएं थी, 4 वस्तुओं में से किसी ने कहा 2 लेके आओ चाहे जो लेके आओ, तो हम उन 4 वस्तुओं के पास गए। पहले मेरे मन ने कहा कि ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, चलो छोड़ो, हमने ए भी ले लिया और जैसे ही हमने बी को उठाया हमने कहा नहीं बी नहीं लेंगे, ए सी को उठा लिया, फिर हमने कहा नहीं सी भी नहीं लेंगे, ए डी को उठा लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले हम बी उठाए थे फिर ए उठाए थे, फिर हमने कहा नहीं बी नहीं लेंगे, ए को हाथ में पकड़े रहे फिर सी उठाए, बोले नहीं सी नहीं लेंगे, ए को हाथ में पकड़े रहे फिर डी को उठाए। तो ये जो 4 तरीके हैं, हो सकता है ए बी चुनने का क्रम में पहले बी उठाए हों या हो सकता है पहले ए उठाए हों। कुल हमारे पास इतने तरीके बने, 6, 4, 10, 2, 12 तरीके। अब इसको ये तो समझने की पद्धति से है कि हम एक ग्राफ बनाएं, एक रेखा चित्र ऐसे डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम को देखें और समझें। फिर से देखिए, मान लीजिए 3 वस्तुओं में से हमें कोई कहता है कि 2 वस्तुएं लेके आइए, पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, तीसरी वस्तु सी है। अब हम डायरेक्ट लेते हैं कि मान लो हमारी इच्छा हुई हम ए बी ले लें, फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं हम ए सी लेंगे, फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं हम ए सी नहीं लेंगे बी सी लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये भी तरीके तो हो सकते हैं कि हम बी ए लें, भाई ए बी
चाहे ए बी उठाएं, एक तरीका इन्हीं दो को ले रहे हैं, या पहले बी बाद में ए उठाएं, तो एक ही दो वस्तु आप ला रहे हो, दो वस्तु आप पहले क्रम में दौड़ के गए, आपने एक हाथ से ए उठाया, एक हाथ से बी उठाया, ये एक क्रम हुआ, पहले ए उठाया फिर बी उठाया। लेकिन अगर यही उल्टा करते, पहले बी उठाते फिर ए उठाते, तो दूसरा क्रम बन गया ना। और मान लीजिए हमने इसको नहीं उठाया, हमने ए सी उठाया, तो पहले ए उठा लिया फिर सी उठाया, एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका हो सकता था कि हम पहले सी उठाते फिर ए उठाते। अब यहां पर तीसरे में है बी सी, हम गए पहले बी उठा लिए फिर सी उठाए, यह भी तो हो सकता था कि हम पहले सी उठाते बाद में बी उठाते। तो इस तरीके से तीन वस्तुओं में दो वस्तुएं छांटने के कुल तरीके आए हमारे पास छह। ठीक है, जब हम चार वस्तुओं में से तीन वस्तुएं छांट, दो वस्तुएं छांट रहे थे, तो हमारे पास क्रम था 12 कि 12 तरीके से हम छांट सकते हैं। अगर तीन वस्तुओं में से दो वस्तुएं छांटनी थी, तो हम कह रहे हैं कि छह वस्तुएं यहां पे हैं, छह तरीके हैं हमारे पास। तो अगर यन वस्तु हूं, यन वस्तु से आर वस्तुएं चुनने का क्रम, तो यह क्रम किस प्रकार लिखा जाता है? एन परमोटेड आर। ठीक है, यम परमोटेशन आर। तो यन परमोटेशन आर का मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ यन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। ठीक है, अब यहां पर मान लो जैसे मैंने चुना था कि चार वस्तु में से दो वस्तुएं लेने का क्रम क्या होगा, तो यहां पे हो गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2। अब इसे अगर हम खोलें तो यहाँ पे मिलता है कि फैक्टोरियल 4 बटे 4 में से 2 माइनस करोगे फैक्टोरियल 2, और ये इसे खोल सकते हैं 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 में, और नीचे खोल सकते हैं 2 गुड़े 1 में, ये कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12 तरीके मिले आपको। अभी हमने कहा कि तीन वस्तुओं में से दो वस्तुएं छांटने के कुल तरीके 6 हैं, चलो देख लेते हैं। तीन वस्तु ली, इनमें से दो वस्तु छांटने के तरीके, तो फैक्टोरियल 3 इसको फॉलो करते हुए अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3। ध्यान रहे ये पुरानी पद्धति है, नई पद्धति में ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 1, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 1 बराबर 3 दो नीचे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रमचय और संचय निकालते हैं। तो आपकी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बनोर रेखी 7 है ना, इसमें पहला है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 8 इस तरीके से ये दे रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब इसका गुणा कर लेंगे 56, 30, 12, 24, 56 × 7 = 20, 24 × 3 = 72। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी, देखिए हम पुरानी पद्धति से लिख रहे हैं, आप नई पद्धति से लिख लीजिएगा, मुझे हैबिट नहीं है इसको, एक तो ये टाइम बहुत खर्च करता है, बगल में खींचो फिर उस पर पॉइंट लगाओ बिंदी लगाओ, तो ऐसी वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल को पूरा नहीं खोलते, जैसे ऊपर है फैक्टोरियल 8 नीचे है फैक्टोरियल 6, तो जहां आपने फैक्टोरियल को रोक दिया, समझ लीजिए उसके आगे के सारे गुणे 1 तक उसी के अंदर पैक हैं। तो इस तरीके से हम 8 को खोलते हैं, कहां तक, 6 तक, 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, मतलब भैया 6 के आगे के सारे गुणे 1 2 3 4, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 उसी में पैक है, ये जो चिन्ह है ये जो साइन है बता रहा है, और बटे फैक्टोरियल 6, और 2 का कोई विकल्प नहीं है तो उसे खोल देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 7 चौक 28, ये इसकी वैल्यू हो गई।
अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और, ये 15P4 बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, एकदम इजी है। 15P4 इसका फिफ्थ है, फर्स्ट का पहले का पांचवा है, 15P4। तो यहां पे क्या करना है, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15-4। अब ये हो गया फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 11। अब 15 को कहां तक खोलना है, 11 तक खोलना है। 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11, ये कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 14 × 13 × 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा सब जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब देखो जैसे इसका क्वेश्चन है दूसरा, 1/(6+1/7)=(x/(8)। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो देखो ये किसी भी बीजगणितीय संक्रिया को जब तक फैक्टोरियल के अंदर की वैल्यू समान नहीं होती तब तक अलाउ नहीं करती है, ठीक है ना, लासा वासा कुछ भी लेना है, तो ये एक अचर पद जैसा व्यवहार करती है। तो इसको लिख सकते हैं 1/(6+1/7)/(6), ऐसा तो लिख सकते हैं ना, बराबर x/(8)/7)/(6)। अब इधर से 1/(6) कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचता है 1+1/7=(x/(56)(1/(6)। अब फैक्टोरियल 6 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7=(8/7)/(x/56)। अब यहाँ पे 7, 7×8=56, 8 का तिरछा गुणा कर लीजिए, x=64। इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। हटाएं इसको, अब कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r का मान निकालिए, n=6, r=2 है। तो कुल मिलाकर के वैल्यू वही रखनी है जैसे अभी npr वाले में रख रहे थे फॉर्मूले में। तो यहां पर अगर इस हिसाब से हम वैल्यू बनाएं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप 6p2 की वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यानी n=6 दे रहा है और r=2 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 6p2 है और यहाँ पे रखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6-2। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, n के स्थान पे 6 रखे, n के और यहाँ 6 रखे और r के स्थान पे 2 रखे, तो यही वैल्यू तो 6p2 के लिए भी रखी जाती है ना। अब क्या होगा, अब ये फैक्टोरियल 6/(4) हो गया, बराबर 6×5×(4)/(4), अब 4 से 4 कट गया, 6×5=30, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब यहां पे ये कह रहा है कि 18PR=4896 तो R की वैल्यू बतानी है कि R कितना होगा। तो देखिए इसमें 18 है,
ठीक है। तो अगर इसमें 18 है तो आप 18 से इसका गुणनखंड निकालना शुरू कीजिए, 18, 17, 16 ऐसे करके आएगा इसका गुणनखंड। तो हमेशा आप इसको 18 से पहले भाग दीजिए, मतलब जो n की वैल्यू हो उससे शुरू कीजिए। 18 दूनी 36, अब यहाँ पे 12 हुआ, 129 आया, शेष बचा यहाँ पे 18 दूनी 36, शेष बचा 12, 129 हुआ, 7 8 56, 5 7 91 7 5 12, यानी 7 बार जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा और ये हो गया 18 दूनी 36। एक बार ये 18 से डिवाइड हो गया, अब इसको 15 से डिवाइड करिए, सॉरी 17 से डिवाइड करिए, 17 91 17, 17 6 102, फिर 16 से डिवाइड करिए, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 PR एक विशेष उद्देश्य के तहत किया गया है, बाकी गुणनखंड करने का ये तरीका नहीं है, एक विशेष उद्देश्य के तहत किया गया है, कि इसका मतलब है कि 18 × 17 × 16 ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको 18 PR बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये किसी संख्या का फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल 18 है तो मतलब इसी का है, वैल्यू तो दिया गया है, इसका मतलब फैक्टोरियल 15 उड़ा दिया गया है, इसका मतलब फैक्टोरियल 15 इसमें से उड़ाया गया है। तो हम यहां पे ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 18 × 17 × 16 और ब्रेकेट में फैक्टोरियल में 15, तो मतलब नीचे भी 15 बना रहा होगा, तो ऊपर गुणा किए तो नीचे भी तो गुणा करोगे। अब इसको ऐसे बनाएं, ऊपर ये 15, 16, 17, 18, दो बेटा इसको फैक्टोरियल 18 लिख सकते हो, और फैक्टोरियल 18 और यहां पे कितना लिख सकते हो, फैक्टोरियल 18 − 3, तभी तो 15 आया होगा, और इसको लिख सकते हो 18 P3, ठीक है, इसलिए R = 3। चलो फिर से समझाते हैं, देखिए इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आपको दी गई है, तो मैंने बताया कि जो इसमें n की वैल्यू हो वहां से आप इसका गुणनखंड शुरू कीजिए, ठीक है। एक दूसरे प्रकार का गुणनखंड है, माने हम उस वैल्यू को लेके चलते हैं जो n का मान होता है, गुणा करेंगे तो इसका सीरियल ही मिलता है, 18 17 16 मिल गया आपको, आपने यहाँ पे सजा दिया 18 17 16 इसका गुणनखंड। अब आगे चूंकि ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि आर की कुछ ऐसी वैल्यू थी कि यहां से 15 उड़ा दिया गया, ठीक है ना, फैक्टोरियल 15, तो हम फैक्टोरियल 15 का ऊपर नीचे गुणा कर लिए। अब फैक्टोरियल 15 हर में लाने के लिए 18 − 3 लिख सकते हैं, ये 18 कहां से मिला, तो ऊपर लिखा हुआ है वहीं से मिला, यन से मिला, क्योंकि फैक्टोरियल यन अपान यन माइनस आर बना रहे हैं, और फैक्टोरियल यन अपान फैक्टोरियल यन माइनस आर बन गया, तो यहां लिख सकते हैं 18 P3, इसका मतलब R3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तुलना हो गई, अब इतना करते रहिए, फिर नेक्स्ट।